चार जिलों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने वाले महात्मा गांधी चिकित्सा सेवा परिसर रामपुर खनेरी महिलाओं की प्रसूति में सबसे ऊपर है। यहां हर माह औसतन 300 महिलाओं की प्रसूति होती है। साथ लगते जिलों और आसपास के चिकित्सालयों से प्रसूति के लिए रेफर केस यहां अधिक होते हैं। इस लक्ष्य को बनाए रखने में लगे महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश शर्मा पशु सेवा में भी आ गए हैं और क्षेत्र में एक मिसाल कायम की है। वे सड़क पर चोटिल हुए कई पशुओं को गौशाला में पहुंचाकर वहां स्वयं उनका इलाज करते हैं। इतना ही नहीं, चोटिल पशुओं के इलाज में महंगे प्लास्टर से लेकर दवाओं का प्रयोग अपने पैसों से करते हैं। पिछले 2 वर्षों से नारकंडा और आसपास से बर्फ के दौरान पशुओं को गौशालाओं में पहुंचाकर वहां अपने पैसों से उनके लिए चारा भी उपलब्ध करवा रहे हैं। इससे गौशाला संचालकों को काफी मदद हो रही है। डॉक्टर दिनेश ने लोगों से भी अपील की है कि गौओं को इस तरह सड़कों पर ना छोड़ें। उनका कहना है कि गाय जैसे ही दूध देना बंद करती है तो उन्हें कई लोग घरों से निकालकर लावारिस छोड़ देते हैं। हिंदू समाज के लिए इस तरह की गतिविधियां कतई शोभा नहीं देती। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि महात्मा गांधी चिकित्सा सेवा परिसर खनेरी में आसपास के जिलों से मरीज आने के कारण काफी भीड़ लगी रहती है। बावजूद इसके भी जैसे ही मरीजों की इलाज से समय मिलता है तुरंत गौशाला में पहुंचते हैं और उनकी सेवा में जुट जाते हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 2 वर्षों से वे सर्दियों में नारकंडा और आसपास से लावारिस छोड़े गए पशुओं को गौशालाओं में ला रहे हैं। वे जिन पशुओं को सड़कों में चोट लगती है या बीमार हालत में दिखते हैं उनका इलाज करते हैं। उन्होंने बताया कि अक्सर लोग गाय जैसे ही दूध देना बंद करती है गाय को लावारिस छोड़ देते हैं। उन्होंने कहा कि खनेरी में हिमाचल में अच्छे स्तर पर महिला रोग से जुड़े काम हो रहे हैं। प्रसूति से जुड़े आसपास के क्षेत्रों से रेफर केस अधिक आते हैं। हर महीने औसतन 300 प्रसूतियां हो रही हैं। एक बहुत ही बिजी शेड्यूल होने के बावजूद गायनी डिपार्टमेंट में कार्यरत हूं मैं, तो उसके बावजूद भी थोड़ा समय निकालते हैं। बीच में अपना पेशेंट देखने के बाद घर पहुंचते हैं, फिर भी लगता है कि बेसहारा बेजुबान पशुओं को लावारिस बना करके बाहर छोड़ा जा रहा है। इसमें सबसे आग्रह यही है आम जनता से ये आग्रह मेरा रहेगा कि आप पशुओं को इस तरह से मत बाहर छोड़िए, ठीक है। और जो हमारे गौ सदन बने हैं बहुत बहुत ही कोई आवश्यक है, बहुत ही कोई इस तरह का ज़रूरत पड़ी है, तो आप जा करके उनसे कांटेक्ट करिए हैं। उनको अपना जो उनका घास है, उनका चारा है, उनका जो वो है उसमें अपना थोड़ा सा सहयोग दीजिए। तो खनेरी में जो गायने से जुड़े हैं वो कितने, हिमाचल में क्या स्थिति है, कितने ज़्यादा पेशेंट हैं हिमाचल में? खनेरी हॉस्पिटल में हमारे पास लगभग 300 डिलीवरीज महीने में हो जाती है, ऑपरेशन होते हैं, सर्जरी हो रहे हैं। और हमारा जो एक गायनी का जो यहाँ पे जाकर के डिपार्टमेंट है बहुत सा काम कर रहा है। और हम हिमाचल प्रदेश में गायनी विभाग के हिसाब से जाकर के अच्छा काम कर रहे हैं। और रेफरल सर्विसेज जितने भी रेफर केसेस आते हैं हमारे पास वो हम सब मैनेज कर रहे हैं। गीता महिमा गौशाला के सदस्य उमा दत्त ने बताया कि उनकी 2 गौशालाएं दत्तनगर और नोगली में चल रही हैं। इनमें 100 से अधिक पशु हैं। उन्होंने कहा कि हमारी गौशाला को खनेरी चिकित्सालय के स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश हमेशा मदद करते हैं। वे किसी पशु को वाहन के टक्कर से पैर टूट जाए या अन्य चोट लग जाए स्वयं आकर इलाज करते हैं। इतना ही नहीं, उनके सफल प्रयासों से खनेरी चिकित्सालय में हिमाचल में सबसे अधिक प्रसूतियां होती हैं। डॉक्टर दिनेश की वहां भी सेवाएं हर समय जरूरत पड़ती है। इसके बाद भी वे गौओं के लिए समय निकालते हैं। हम गीता महिमा गौशाला हमारी जो एक नोगड़ी में चल रही है और एक दत्तनगर में, इनमें हमारे दत्तनगर में लगभग 70-72 पशु हमारे पास इस समय जो देख रेख कर रहे हैं हम लोग, और 40-42 पशु नोगली में हैं। नोगली गौशाला में जो हमारे यहाँ डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हैं, गायनी के स्पेशलिस्ट हैं, उनके इतनी व्यस्तता के बावजूद भी वो अपना समय निकालते हैं और अपना धन लगाते हैं इसमें। बहुत सारी उन्होंने बहुत मदद की हमारी नोगली गौशाला के लिए भी और यहाँ दत्तनगर के लिए भी, और स्वयं
जो यहाँ हमारे पशु जिनके कईयों के पैर टूट जाते हैं, कईयों के सड़कों में लोगों ने पत्थर मार के या गाड़ी वालों ने डैमेज की है, टांगे तोड़ी है, कईयों के कान कटे हैं, तो उनके देख रेख करने के लिए भी स्वयं आते हैं और स्वयं प्लास्टर वगैरह की व्यवस्था स्वयं करते हैं अपने पैसे से। तो हम आप लोगों के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, गौशाला परिवार गीता महिमा गौशाला की ओर से उनका दिल से गहराइयों से उनका धन्यवाद करते हैं और जनमानस से भी हम अपील करते हैं कि वो भी उनसे प्रेरणा लेकर इन जो बोल नहीं सकते पशु उनके सहयोग के लिए आगे आए। धन्यवाद। रोशन चौधरी उपाध्यक्ष गीता महिमा गौशाला नोकली ब दत्तनगर ने बताया कि हम डॉक्टर दिनेश के बहुत आभारी हैं, उनके सहयोग से गौशालाओं की व्यवस्थाओं में सुधार हो रहा है। उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि डॉक्टर दिनेश की तरह गौ सेवा के लिए आगे आएं। मैं डॉक्टर दिनेश का बहुत आभारी हूं, वो हमारी गौशाला के लिए अपनी प्रेरणा से बड़ी मदद करते हैं और उनके लगन की हम तारीफ करते हैं। और मैं जनता से भी अपील करता हूं कि डॉक्टर दिनेश जिस तरह से गाय के मामले में अपनी वो रुचि दिखाते हैं, अपना सहयोग देते हैं, वो सराहनीय है और हम सबसे उम्मीद करते हैं कि इस तरह का सहयोग दें।